खबर अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। महिलाओं को रोजगार, उन्हें रोजगार बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एवं बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय सर्द महोत्सव का आयोजन किया गया। सिविल लाइन इसे कचहरी के पास किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अधिकारी अनिता यादव ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत बता दें स्वयं सहायक समूह महिलाओं द्वारा तैयार की गई रेडीमेड अगरबत्ती, धूप बत्ती, रुई बत्ती आदि का स्टाल लगाकर महोत्सव को प्रदर्शित किया गया, जिसका विकास प्रबंधक कमलेश यादव ने किया। हम ग्रामीण महिलाओं को आगे लेने के लिए हम स्वयं सहायक समूह के रोजगार का प्रशिक्षण देते हुए अनेक पदार्थिक से निर्मित होने वाले सामानों को बनाया और बनाना सिखाया जाता है, जैसे मिट्टी के दिए आदि। इनके द्वारा निर्मित वस्तु जो 3 दिवसीय मेले में बेचने के लिए मेला लगाया जा रहा। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए अयोध्या से आजम खान। यही देखना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार, और इससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं इससे थोड़ा प्रेरित हो रही हैं और इच्छुक हो रही हैं। जो घर में लुप्त हुई बैठी महिलाएं थी वो आगे निकल के इसको देखने के बाद आगे काम करेंगी, इससे मतलब को लगता प्रेरणा मिल रही है। मेरा नाम मेनका सिंह है। मेरा ये मूज का है जो लुप्त हो चुकी चीजों का हमने फिर से प्रयोग कर रहे हैं, और ये जूट का है। मेला का आयोजन किया जा रहा है नाबार्ड से। नाबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये ऐसा बैंक है जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए कार्यरत है। तो हम जो है ग्रामीण महिलाओं को समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं, रोजगार प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में उन्हें अलग अलग तरीकों के पदार्थ बनाने सिखाए जाते हैं। तो ये महिलाएं जो मेले में आई, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके का पदार्थ लगाया इन्होंने, चाहे मिट्टी से निर्मित पदार्थ है, कुछ गुड़ के पदार्थ हैं, कुछ कपड़े हैं। तो एक मंच हमने इनको दिया है, जिस मंच के माध्यम से ये महिलाएं आई हैं आज बाजार में फैजाबाद में, यहाँ पे अपना उत्पाद बेचेंगी। 3 दिवसीय ये जो है मेले का आयोजन किया गया है, ये 14 से 16 तारीख तक चलेगा। शुभारंभ जो है श्रीमती अनीता यादव जी ने, जो CDO हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मेन मोटिव क्या है इसका शुरू करने का? जैसे मैंने बताया, इसका मेन मोटिव यही है कि हम महिलाओं को, समूह की महिलाओं को एक मंच दें, जिस मंच के माध्यम से उन्होंने जो भी अपने उत्पाद तैयार किए हैं उनको यहाँ पे आके बेचें।